अगर आप भी रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहला मुकाबला जीतने के बाद ही रोहित शर्मा ने दूसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। पहले मुकाबले में शर्मनाक प्रदर्शन करने वाले केएल राहुल को बाहर का रास्ता दिखाते हुए दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज को भी रोहित शर्मा ने बाहर का रास्ता दिखाया है। रातों रात भारतीय कप्तान ने किसकी कराई है वापसी, इस मास्टर प्लान के तहत रोहित शर्मा उतरने वाले हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले में। दिखाएंगे उनकी प्लेइंग 11 का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से महान खिलाड़ी कौन है? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय सरजमी पर जीत हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी समय पहले ही आ गई थी। उन्होंने स्पिन गेंदबाजी खेलने के लिए खूब सारी प्रैक्टिस भी की। यहाँ तक कि रविचंद्रन अश्विन जैसा एक गेंदबाज भी उनको प्रैक्टिस करा रहा था। बावजूद उनके प्रैक्टिस, भारतीयों के स्पिन गेंदबाजों के सामने खोखली नजर आई। नागपुर मैदान पर जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का सामना अश्विन और जडेजा से हुआ तो केवल विकेटों के उड़ने का शोर सुनाई दे रहा था। पहली पारी में जहां रविंद्र जडेजा के पंजे से ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 177 रन पर ढेर हो गई थी, जिसके बाद मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए रोहित शर्मा के साथ मिलकर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 400 रन बनाकर 230 रनों की बढ़त बना ली। हालांकि मुकाबले में इतना पीछे छूटने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि वो वापसी कर लेंगे, लेकिन दोस्तों भारतीय फैन जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया की हार निश्चित है। लेकिन यह शायद किसी ने सोचा होगा कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम महज एक ही सेशन में घुटने टेक देगी। जी हाँ दोस्तों, जब तीसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी करने उतरे तो इस बार रविचंद्रन अश्विन का जादू सिर चढ़कर बोला। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर पलक झपकते ही अपना पंजा खोला और फिर रविंद्र जडेजा के साथ अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी ने इस बार उन्हें महज 91 रनों पर धराशाही कर एक पारी और 132 रनों से भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। इसी के साथ भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 से बढ़त भी हासिल कर लिया। लेकिन रोहित शर्मा का लक्ष्य केवल सीरीज में जीत हासिल करना नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से क्लीन स्वीप करना है। इसी इरादे से उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में पहले भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच भारत की राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 17 फरवरी से होनी है। बता दें, यह मुकाबला भी भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा और इस मैदान पर भी काफी घुमावदार पिच मिलने वाली है, जहां ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एक बार फिर से घुटने टेकते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें, इस मुकाबले का मजा आप स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ ले सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। दोस्तों, भले ही अगला मुकाबला 17 फरवरी को होगा, लेकिन इतने दिन पहले ही रोहित ने कमर कसते हुए टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। उन्होंने पहली बार विनिंग कॉम्बिनेशन में भी बदलाव किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पहले टेस्ट मैच में ओपनिंग करने के लिए रोहित और राहुल की जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा का उप कप्तान राहुल से भरोसा उठ गया है और उन्होंने दूसरे टेस्ट में ओपनिंग की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी शुभमन गिल के कंधों पर सौंपी है। जी हाँ, आपको बता दें, पहले टेस्ट मैच में राहुल बेहद खराब शॉट खेलकर आउट हुए थे, वहीं उनके बल्ले से कोई कमाल नहीं हुआ, जबकि शुभमन गिल अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे। ऐसे में रोहित शर्मा और गिल की जोड़ी हमें दूसरे टेस्ट मैच में ओपनिंग करते हुए देख सकती है। दोस्तों, नंबर 3 के पायदान पर टीम इंडिया की दीवार चेतेश्वर पुजारा पर कप्तान रोहित शर्मा ने भरोसा जताया है। पुजारा पिछले मैच में खराब शॉट खेलकर आउट हुए थे, लेकिन दिल्ली के मैदान पर उनकी बल्लेबाजी भारतीय टीम के बहुत काम आने वाली है। वहीं दोस्तों, नंबर 4 पर भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली हमें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जिया उड़ाते हुए देख सकते हैं। पहले टेस्ट में विराट की किस्मत खराब थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में कोहली वापसी के लिए बेकरार दिख रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, विराट का साथ निभाने के लिए रोहित ने T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या पर भरोसा जताया है। हालांकि सूर्या ने पिछले मैच में ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन वह लय में नजर आ रहे थे, जबकि विकेटकीपर की भूमिका में रोहित शर्मा केएस भरत पर भरोसा जता रहे हैं। इस खिलाड़ी ने अपने स्किल से सभी को बहुत प्रभावित किया है। बात करें ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, तो पहले टेस्ट मैच की तरह अश्विन और जडेजा पर ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस करने की जिम्मेदारी कप्तान ने सौंपी है, लेकिन इसके साथ ही रोहित ने टीम में एक बदलाव भी किया है। अक्षर पटेल को बाहर का रास्ता दिखाकर दिल्ली के मैदान में हमें कुलदीप यादव टीम इंडिया में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने टीम में वैरायटी लाने के लिए टीम में बदलाव करने का फैसला किया है। दूसरे टेस्ट मैच में हमें जडेजा, अश्विन और कुलदीप की फिरकी का जादू एक साथ देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें भारतीय टीम के पेस अटैक की, तो उसमें भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। रोहित शर्मा मोहम्मद सिराज के साथ मोहम्मद शमी के साथ ही आने वाले हैं, इस पर उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, गिल और कुलदीप के आने से भारतीय टीम और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, दूसरे टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में कौन कौन से बदलाव होने चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।